ये कहानी रूबी की है। रूबी ने एक किराए पे छोटा सा घर लिया था। रूबी अकेली थी क्योंकि रूबी के मॉम डैड गुजर चुके थे। उसी रात रात के 3 बजे थे। रूबी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। रूबी के पास रखी टेबल पे पानी का गिलास अपने आप नीचे गिर गया। गिलास टूटने की आवाज़ से रूबी घबरा कर उठी। रूबी ने देखा कि कमरे में कोई नहीं था, तो वह दोबारा सो गई। अचानक रूबी का कोई गला दबाने लगा। रूबी डर कर फिर से उठ गई। वह पसीने पसीने थी। फिर अगली सुबह उसने ये सारी बात अपनी दोस्त को बताई। उसकी दोस्त एक बाबा को जानती थी, तो वह उसी दिन बाबा को रूबी के घर ले आई। बाबा ने रूबी का घर देखा, रूबी के घर में धुनी लगाई और रूबी को बताया कि इस घर में एक बुरी शक्ति है। रूबी को बाबा ने एक धागा दिया और फिर वहाँ से चले गए। रूबी ने वह धागा एक टेबल पर रख दिया। रूबी भूल गई थी कि वह धागा उसको अपने हाथों में बांधना था। उसी रात रूबी सो रही थी कि अचानक रूबी के बाथरूम का नल अपने आप खुल गया और उसमें से पानी गिरने लगा। रूबी पानी की आवाज़ सुनकर घबरा कर उठी। फिर उसने बाथरूम का नल बंद करा। वह सोने के लिए जैसे ही अपने बेड पे आई, तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि एक औरत हवा में उड़ रही थी, मानो वह कोई बुरी शक्ति थी। रूबी ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया, तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। अगली सुबह रूबी की दोस्त रूबी से मिलने आई। रूबी की दोस्त ने ये देखा तो वह चिल्ला पड़ी। रूबी की दोस्त ने देखा कि रूबी एक ज़मीन पर मरी हुई पड़ी थी। रूबी की दोस्त को उस घर के पार रहने वाले लोगों ने बताया कि इस घर में एक अनामिका नाम की लड़की रहती थी, जिसने सुसाइड कर ली थी।